हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ भी होंगे। और सेफ इसीलिए क्योंकि घर पे रहना ही सेफ है, बाहर जाना तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा नीड हो, तभी आप घर से बाहर निकले। चलो, ये तो हुआ ज्ञान, ठीक है। आज मैं आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ, और वो इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को आप लोग अपने लगते हो। जो भी मेरी जिस पहली बात तो जिस जिसने भी मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियो को देखता है, मेरी वीडियो को लाइक करता है, उसको दिल से थैंक यू है, बहुत ज़्यादा थैंक यू है। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर अभी नहीं हूँ, क्योंकि हर चीज़ को ग्रो करने में टाइम लगता है, हर चीज़ को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। किसी को कम भी लगता होगा, लेकिन जब आप अपनी मेहनत से ना आगे बढ़ते हो ना, तो आपको एक खुशी मिलती है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने बारे में ही बताती हूँ कि अगर मेरी वीडियो पर 50 या 100 व्यूज़ भी आते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मेरे को लगता है कि पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया, खजाना मिल गया। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ मैं, ठीक है। वो मेरे को इसलिए लगता है कि मैं ना ही अपनी वीडियो को कहीं पे शेयर करती हूँ, ना ही मैं किसी रिलेटिव को बोलती हूँ कि मेरी वीडियो को देखो और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करो, मैं और ना ही मैं यूट्यूब पे किसी को बोलती हूँ। शुरू शुरू में जब मैंने चैनल बनाया था, तब मुझे लगता था कि हाँ, कि मुझे मैं बोलती हूँ किसी को, लेकिन कोई आपकी वीडियो को एक बार देख लेगा, दो बार देख लेगा आपके कहने से। अदरवाइज जो आपको पसंद करता है, जिसको आपकी वीडियो पसंद आ रही है, वो ही आपकी वीडियो देखेगा। अदरवाइज आप किसी को कितना भी कह लो, कोई आपकी वीडियो नहीं देखेगा। जिसको आप पसंद आ रहे हो, आपकी वीडियो पसंद आ रही है, तभी वो बंदा आपकी वीडियो में, आपके चैनल पे जाएगा, इवन आपकी वीडियो को देखने के लिए। तो ये है। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई, क्या था ऐसा, कोई कमी थी पैसों के लिए, किस चीज़ के लिए? तो कमी तो कुछ भी नहीं है, अच्छे खासे हैं। मतलब हम ये मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। तो ऐसा था कि मैं जब कामों से अपनी फ्री हो जाती थी, तो मैं बहुत से यूट्यूबर की वीडियोस देखती थी। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था कि मैं भी वीडियोस बनाऊं। जैसे सब लोग अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, मैं शुरू शुरू में अपना लाइफस्टाइल नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। कोई कंफर्टेबल हो, कोई कंफर्टेबल नहीं हो, तो मैं सिर्फ ये देखती थी कि मुझे क्या बनाना है, क्या करना है, यही चीज़ें मैं करती रहती थी। तो जैसे मैं सबको देखती थी, मुझे लगता था कि मे भी शायद मैं भी वीडियोस बना सकती हूँ, और मेरा भी मन होता था कि मैं किसी से बात करूँ। तो मुझे यूट्यूब, मतलब मैं वीडियोस बना के सबसे बात करती थी। तो फिर अब बात तो कर ली है, अब अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी, तो इसको सुने कौन, इसको सुने कौन, इसको समझे कौन, और बताए कौन कहाँ पर क्या गलती है। तो यूट्यूब सबसे बेस्ट लगा मुझे। लंबा भी होता है वीडियो, लंबी भी बनानी होती है, तो छोटे मोटे जो शॉर्ट्स वीडियो होती है, उसमें आप कब तक कितनी दिल की बात करोगे। तो यूट्यूब मुझे बेस्ट लगा, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी वीडियोस बनाती हूँ। एंड्रॉयड फ़ोन है मेरे पास, ट्राईपॉड। आप मानोगे नहीं, अगर आप देखोगे ना हालत उसकी, एक रबड़ बैंड लगा के मैंने बहुत जुगाड़ करके ट्राईपॉड रख रखा है मैंने। मैं दिखाऊंगी आपको और कैसे मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, और बस ऐसे ही चल रहा है मेरी वीडियो। और ये है कि आपको कोई महंगे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं है। वो आगे आप अगर आप अर्निंग करोगे, तो वो आपकी चॉइस है, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जब आपने चैनल बनाया, अब स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें चाहिए आपको। बस दिल से बनाओ यार, दिल से वीडियोस बनाओ, खुश रहो, मस्त रहो। और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक कर देना, और जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जल्दी से 1K करवाओ, ताकि हम लोग लाइव आए और लाइव आके ढेर सारी बातें करें। तो थैंक यू सो मच, मेरा आपने अपना इतना कीमती समय मेरी ये वीडियो देखने के लिए निकाला। बाय। हेलो गाइस, तो मैं कैसे अपनी वीडियो बनाती हूँ ये मैं आपको दिखा। गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि ये देखो मेरा ट्राईपॉड, और पता है ये बिल्कुल टूटा हुआ है। अगर आपको ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की रबड़ दिखाई दे रही हो, तो वो देखो, मैंने इसको
रबड़ बैंड से बांधा हुआ है क्योंकि इसका पेच निकल गया है, जहाँ पे फोन लगाते हैं ना तो उसका पेच निकल गया है। यार मैंने कई बार इसका पेच लगा लिया पर वही है ना कि बार 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 निकल जाता है। और अभी मैं मंगाना नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी ही अर्निंग से जब भी कुछ करूँगी तो अपनी ही अर्निंग से करना चाहती हूँ मैं। यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी और ये आगे आपको दिखने वाला है कि मैं क्या शूट कर रही थी। बस मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको बता रही थी कि मैं कैसे अपनी वीडियो शूट करती हूँ। बेड पे बैठती हूँ, ट्राईपॉड इसीलिए बेड पे रख रखा है ताकि फ़ोन गिरे तो बेड पे ही गिरे। अगर नीचे फ़ोन गिर गया ना तो यार मेरी तो आफत आ जाएगी, मेरे को तो फ़ोन पता नहीं कितना टाइम लगेगा फ़ोन मिलने में। तो इसलिए मैं ये आपको बता रही थी कि यार मैं इसी सिंपल तरीके से, कोई रिंग लाइट नहीं है, कोई महंगा वो कैमरा नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड मेरा फ़ोन है, इस तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ। और ज़्यादा कुछ मैं पीछे का कोई सेटअप भी नहीं करती हूँ कि मुझे कोई बैकग्राउंड अच्छा करना है या ऐसे करना है वैसा करना है, क्योंकि मेन आपका मकसद ये होता है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें बाद में मैटर करती हैं, आप बस दिल से अपने बहुत ईमानदारी से अपनी वीडियोज़ बनाइए, मेहनत करिए। थैंक यू। तो आज बस मैं आपको यही बताऊँगी कि मैं अपनी YouTube वीडियोस कैसे बनाती हूँ और क्यों मुझे शौक चढ़ा वीडियोस बनाने का, YouTube पे आने का मेरा मेन मकसद क्या है, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास ना ही बहुत कोई कैमरा है बहुत महंगा, ना ही मेरे पास कोई रिंग लाइट है, ना ही ट्राईपोड है, वो भी बहुत पुराना है और वो भी टूटा फूटा है, जिसको मैंने अभी एडजस्ट किया है, थोड़ा ठीक भी किया है और ठीक करने के बाद ही मैंने ट्राईपॉड पे लगाया है। और मुझे एक शिकायत सबसे ज़्यादा रहती है अपने हस्बैंड से, मेरी हर वीडियो में इनका फ़ोन बजता है, मेरी हर वीडियो में। हर वीडियो का मतलब ये है कि पूरे दिन इनका फ़ोन बजता है, पूरे दिन इनका फ़ोन बस ट्रण। जो भी आप मेरी वीडियो देखोगे ना, मोस्टली वीडियो में इनका फ़ोन ज़रूर बजता है। एनीवे तो हम, मैं ये कह रही थी कि सिर्फ सिंपल तरीके से ही अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, दिखाया मैंने कैसे कैसे मैं ट्राईपॉड पे लगा रही हूँ और कैसे कैसे यार मेरे को ना बहुत डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा होती है, कोई वीडियो बनाने नहीं देता मुझे। पूरे दिन मेरा वो टीवी चलता है तो आवाज़ बच्चे कम नहीं करते, पंखा चलता है, पंखे की तो एक बार को एडजस्ट कर भी लूँ, टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे पास सिर्फ ये अपना एक ही रूम के अंदर मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वीडियो बनाना। ये देखो फिर फ़ोन आ गया, देख लो। और यार मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाती हूँ, मतलब मैं वीडियो बनाने, देखो हो गई। सिंपल तरीके से सिर्फ अपने फ़ोन से और अपने ट्राईपॉड जो टूटा फूटा हो गया है इसको बहुत ज़्यादा जुगाड़ करके मैंने ऐसे वीडियो बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा जुगाड़ करके मतलब कि लिटरली ये टूट गया है, पेच वगैरह मैं 3-4 बार लगा चुकी हूँ, फिर भी ये टूट जाता है। और फिर अब मैंने पता है क्या करा, एक रबड़ बैंड ली, उससे इसको बांधा है, क्योंकि मैं अभी कोई खर्चा करना चाहती नहीं हूँ बिल्कुल भी। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अर्निंग कर रही हूँ तभी मैं कुछ मंगवाऊँगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही काम चलाऊँगी। सिंपल सा मेरा फ़ोन है, हाँ एंड्रॉयड फ़ोन है, और ये ट्राईपॉड है, आप लोग देख रहे हैं, ट्राईपॉड को दिखा दीजिए कैमरा मैन, ट्राईपॉड है, फ़ोन है, और ऐसे मैं अपनी वीडियो को कैप्चर करती हूँ। और यार मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ लेकिन कोई भी नहीं सब्सक्राइब करता है। लेकिन पहले से मेरी अच्छी वीडियो जा रही हैं, बहुत अच्छी वीडियो जा रही हैं, जहाँ 2-4 वीडियो ही मतलब व्यूज़ ही आते थे, अब अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ना उसको थैंक यू सो मच, जो भी मेरी वीडियो देखता है और लाइक कमेंट करता है।